तो इसलिए हमने इस वीरवार 10 किलोमीटर वो पैदल यात्रा की थी, तो जहां से भी बहुत सारे लोग थे, तो यहां से हमने कुछ ऑटो कुछ गाड़ियों का जो भी खर्चा था, मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप जितने भी जाने हो जितनी ऑटो गाड़ियां होती करो, मैं उसका पे करूंगा, मैं उसका किराया जितना भी होगा मैं दूंगा। पर बीच में क्या हुआ, मुझे पता चला कि कुछ लोग खड़े हो गए, वो कहते कि नहीं, कुछ ऐसे खड़े हो गए कि हम अपना ऑटो ले जाएंगे, हम अपनी गाड़ी ले जाएंगे, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं। तो कुछ हुआ, पर कुछ के मैंने कुछ ऑटो गाड़ी के मैंने पे किया। सुनो क्या किया मैंने, खुदा के लिए किया। आपको पता है कि इस मिनिस्ट्री का हर संगति का जो खर्च है कितना है, हर संगति का जो खर्च है, कई बार आपकी जो ऑफरिंग है आपका जो दान है जो कुछ भी आप बोती, हमारे खर्चे से कभी बार मैच नहीं करता। सच्ची कह रहा हूं, मैच नहीं करता। जितना खर्च हो जाता है कई बार इकट्ठा नहीं होता, पर खुदावन वो कहता है तेरी मैं हरेक घटी को महिमा सहित पूरी करूंगा। इसलिए हम खुदा के वचन पर खड़े होते। सुनो आपको बताएं कि ये जगह भी रेंट पे सब इंक्लूड करें, सब कुछ करें, बिजली का पंखे कितने चलते सब कुछ बहुत खर्च बोल गए, पर फिर भी जब ऐसे काम होते हैं खुदा के लिए तो मैं कभी नहीं सोचता कि हमारे पास पैसे नहीं, इतने खर्च हो जाएंगे उतने खर्च हो जाएंगे, चलो छोड़ो एक लिए चले जाते हैं 10 लोग चल जाते हैं। हम कितने लोग गए थे, हाँ चलो एक ऑटो ले जाते हैं दो ले जाते हैं, समझ आ रही, क्योंकि ये खुदावन के नाम का सवाल है और खुदा के लोगों की बात थी। अगर हम खड़े होंगे तो हमारे साथ भी खड़े होंगे, और मसीहों का यही सबसे बड़ा पॉइंट है। आमीन, समझ आ रही है। और सिर्फ मसीह नहीं, कितने अन्य जाति लोग, कितने और जो धर्म के लोग हैं वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं, और कितने देशों के लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक और ये भद्दा, बहुत ही भद्दा, ये वो बारे देश है जिसका नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर बेटियों का घमसान हो रहा औरतों के साथ, यहां समझ आ रही है। तो मैंने ये खुदा के लिए किया, मैंने तो खर्च किसके लिए किया, बोलो क्या किया, जितना भी खर्च हुआ। सुनो मैं आपको सबसे भी मेन पॉइंट क्यों बता रहा हूं कि जो मैंने ये खर्च किया, मैं तो सोच रहा और भी है कोई तो और भी आ जाए, कोई नहीं और ऑटो कर लो और किराया दे देंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी है और खाने का भी तो कोई नहीं हो जाएगा। पर सुनो जब मैं कल रात को प्रार्थना कर रहा था, बोलो क्या कर रहा था, कम से कम कोई 12:30 का टाइम होगा मे बी, तो जब मैं प्रार्थना कर रहा तो एकदम से परमेश्वर मुझे जो मेरे मेरे घर में जो मेरे रूम में बेड है उसके दोनों साइड पे सेटी है, जो बेड के साथ सेटी होती है ना दोनों साइड ड्रॉज वाली सेटी, तो परमेश्वर मुझे कुछ चीज ढूंढने के लिए बोल रहा है, यहां पे कुछ चीज रखी है तो ढूंढ खोल उसे। क्या बोलो, थक क्यों तो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो, परमेश्वर मुझे बार बार कह रहा है कि इसमें इसे खोल इसे खोल इसे खोल, इस ड्रॉस को खोल, जबकि वो ड्रॉस मेरे बेड के साथ एक में और नीचे अपनी प्रेयर का एक छोटा मैंने गद्दा लगाया पूरा सिंगल, तो वहां पे मैं बैठ के प्रेयर करता हूं, और वो जो सेटी का ड्रॉस है वो उस गद्दे के सामने और वो खुलता नहीं, क्योंकि उसके सामने उसमें मैं बैठा हूं प्रेयर कर रहा हूं। पर परमेश्वर मुझे बार बार कह रहे हैं, अपनी सुविच्छा को डालता है ना परमेश्वर, कितनों को पता है कि परमेश्वर अपनी सुविच्छा हमारे मनों में डालता है, और परमेश्वर मुझे कह रहा है इस ड्रॉज को खोल इस ड्रॉज को खोल। मैंने सबसे उठा, मैं सबसे पहले फिर मैंने उस गद्दे को पीछे को धक्का दिया पीछे किया,
उस ड्रॉस को खोला, उसमें 500 के नोट, 50 के और 100 के नोट पड़े। मैंने कहा, जबकि मैंने उसको ड्रॉज को पूरा साफ किया, उसमें कुछ भी नहीं है स्वाए उस पैसों के, 500 के नोट, 100 के और 50 के नोटों के अलावा उसमें कोई कागज नहीं। अब मुझे समझ आ गई कि जो कुछ भी हम खुदा के लिए करते हैं वो कुछ भी हमारा रखता नहीं है। बोलो क्या है? जब हम कुछ भी खुदा के लिए करते हैं वो हमारा रखता, रखने वाला परमेश्वर नहीं है। जितना मैंने खर्च किया उससे दुगना तिगना खुदा ने दे दिया। मैंने कहा दुगना तिगना दे दिया। आमीन। मैंने कहा दुगना तिगना दिया उसने, क्योंकि वो रखने वाला परमेश्वर नहीं, पर वो दिल देखता है ना, पहले दिल। अगर मैं सोचता शरीर से, सुनो ध्यान से, अगर मैं शरीर से सोचता कि नहीं यार पहले बहुत खर्च है, छोड़ो कोई बात नहीं है, किसने देने हैं ये वो, चलो छोड़ो, हाँ कौन सा कोई देख रहा है इतनी भीड़ में, कौन, ठीक है कोई बात नहीं, पर हमें कौन देखता है? बोलो कौन देखता है? कौन देखता है? वो सर्वशक्तिमान, वो हमें देखता है। आमीन। मैंने कहा वो हमें देखता है। मैंने उसके लिए किया और उसने स्वर्ग से मेरी घटी को पूरा कर दिया, और ये बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। हमें हालेलुया हालेलुया।